डायमंड, डेट्स एंड नट्स, यहाँ पर हर तरह के खजूर हैं जो अरब कंट्रीज से, ईरान से आए, और यहाँ पर अंजीर, जैतून का तेल, हर तरह के सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी आइटम्स खाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यह दुकान खंजर गली दरगाह के बिल्कुल बाजू में, शालीमार होटल के बिल्कुल पीछे, हरमैन डेट्स एंड नट्स, सेहत के लिए यहाँ पर आना न भूलिए। बादशाह स्क्रैप मर्चेंट की जानिब से बेलगावी के तमाम बरादरान इस्लाम को रमज़ान का आखिरी अरशा मुबारक हो, और आने वाली रमज़ानुल मुबारक की ईद मुबारक हो, और आपकी ईद हमेशा खुशियों में गुजरे, ये हमारी दुआ है, आमीन। आदाब, मैं जमील अहमद, ये प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर क्या है। आज की अहम खबर कर्नाटका के शहर बेलगावी से है। जैसे ही बीजेपी की पहली लिस्ट का ऐलान किया गया, जिसमें कम से कम 40-49 के करीब लोगों के नाम थे, उसके बाद एक अचानक ऐसी खबर आई कि जिस तरह से बेलगावी नॉर्थ और बेलगावी साउथ का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। क्योंकि सबसे बड़ी खबर ये थी कि अनिल बेलके, जो बेलगावी नॉर्थ से बीजेपी के MLA हो चुके हैं, उसके बाद भी उनको जो है बेलगावी नॉर्थ से उनका टिकट निकाल दिया गया है। उनके जगह पर रवि पाटिल को टिकट दिया गया है, जिसकी वजह से बेनके के समर्थकों में काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है। इसकी वजह से बेनके के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और बहुत सारे नारे लगाए जो बीजेपी के खिलाफ थे, और बीजेपी ने अनिल बेनके के टिकट को काट कर काफ़ी गलती कर चुकी है, ऐसा लगता हुआ नज़र आ रहा है। ए बी रवि पाटिल को जिस तरह से उन्होंने टिकट दिया है, बीजेपी एक निंगायत कार्ड खेलने की काफ़ी कोशिश की है। पंचमशाली जिस तरह से निंगायतों ने एक एहतजाज किया था कि कर्नाटका निंगायतों का है और यहीं पर हमारा ही सीएम होगा और हमारा ही सब कुछ चलेगा, इस तरह की उनकी जो कयास आराइयाँ थी, उनके जो कोशिशें थे, उसको देखते हुए बीजेपी ने शायद नॉर्थ बेलगावी से जो है निंगायत कैंडिडेट को टिकट दिया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस किसको टिकट देगी। अगर मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ से उतारेगी तो मुस्लिम कैंडिडेट का जीतना कितना परसेंट होगा और बीजेपी का हारना क्या होगा, ये देखने की बात है, और आने वाला वक्त ही बताएगा जब इलेक्शन की पोलिंग होगी। इस तरह से बेनके के समर्थकों ने काफ़ी जद्दोजहद की, काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया और काफ़ी गुस्से में थे, गम और गुस्से में थे, और कह रहे थे कि अब बीजेपी को हम किसी भी वक्त वोट नहीं डालेंगे। क्या ये बेनके के समर्थकों का यही ऐलान साबित होगा, या फिर वो बदल कर जो है या तो समिति को वोट डालेंगे या फिर कांग्रेस को वोट डाल सकते हैं? क्या बेनके की कोशिश होगी कि वो कांग्रेस में आने की बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ खबरें भी आ रही हैं कि वो कांग्रेस से भी बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सही है या गलत है, आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए देखते हैं।